जब अगर इनको रब किया जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू डब्ल्यू एफ, मतलब कि वर्क फंक्शन, टू हायर वर्क फंक्शन। ओके, मान लीजिए कि अगर ए का वर्क फंक्शन जैसे कि अभी ज्यादा है एस कंपेयर टू द बी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बी से उठ करके अब ये ए में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अब वो बी में से उठ करके अब वो ए में आ जाएंगे। तो ए के ऊपर क्या हो जाएगा, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और उसी तरीके से बी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि पहले दोनों न्यूट्रल थे। न्यूट्रल होने का मतलब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज था। तो अभी क्या हो जाएगा कि ए वाला जो रहेगा, ये आपका क्या बन जाएगा, तो वह नेगेटिव चार्ज, और बी वाला क्या बन जाएगा, तो अभी अभी हमारा पॉजिटिव चार्ज। सो दैट्स वाई ए विल बिकम, ये अभी क्या होगा कि दोनों को घिसने से अब क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जहां से इनकी पकड़ जो कमजोर होगी वो वहां से उठ करके वो वहां पर आ जाएंगे जहां पर सब इनकी पकड़ मजबूत होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जब अगर मूव करेंगे तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो नेगेटिव चार्ज होगा, और जहां से जाएंगे मतलब जिसमें से निकलेंगे अब वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से मीन्स कि अभी हमारा बॉडी चार्ज हो जाता है। तो आई थिंक अभी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि दो बॉडी को आपस में रब करने से या तो घिसने से ये दोनों कैसे चार्ज हो जाते हैं। ओके, ये जो रबिंग प्रोसेस जो है, चार्जिंग व रबिंग जो भी हम लोगों ने समझा है, इसी को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पर से फ्रिक्शन फोर्स का यूज होता है। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। चलिए, सीबीएसई में एक क्वेश्चन, सीबीएसई बोलिए या तो स्टेट बोर्ड बोलिए, एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अभी हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड्स यानी कि पेट्रोल और डीजल का जो टैंकर जो होते हैं, पेट्रोल और डीजल का टैंकर जो रहते हैं, उसमें टैंकर की बॉडी में से एक मेटालिक चेन, एक आप लोहे का चेन या तो स्टील का चेन, ट्रक की बॉडी में से कनेक्ट करके रोड तक उसे लटकाया जाता है, उसे सस्पेंड किया जाता है। ओके, आई थिंक क्वेश्चन को समझ रहे होंगे कि एक इनफ्लेमेबल जो कि एक पेट्रोल को लेकर के जाती हुई एक टैंकर जो है, उसमें से एक मेटालिक चेन को टैंकर की बॉडी में से टच करके रोड तक क्यों लटकाया जाता है, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर कुछ ऐसा है कि जब अगर वो चलती है तो वो एयर पार्टिकल्स के साथ में वो कोलाइड्स करते जाती है। तो एयर पार्टिकल्स के साथ में कोलाइड करने पर क्या हो जाएगी कि वो टैंकर का बॉडी चार्ज हो जाएगा। तो जब अगर चार्ज हो जाने से अब उसमें से चार्ज में से स्पार्क निकलने का खतरा या तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से पूरे टैंकर में आग लग जाती है। ऐसा न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा कि चलती टैंकर में जैसे कि आग लग गया। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि एक चेन को टैंकर की बॉडी से रोड तक लटका दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि टैंकर पर जितना भी एक्सेस चार्ज जो बना हुआ होगा वो सारा के सारा चेन के थ्रू रोड में यानी कि अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, आई थिंक मीन्स कि जो भी एक्सेस चार्ज जो भी होगा, चार्ज जो भी डेवलप हुआ होगा, वो सबका सब रोड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए एक मेटालिक चेन